बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज हमारे पास एक और पैनल आया है जो डैमेज है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन क्या है, और ये जो है हम इसके ऊपर लिक्विड डाल रहे हैं, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं ये। तो ये वार्निश है, हार्ड वार्निश इसको कहते हैं, और इसमें जो है ये है कि पैनल के ऊपर इसको लगाएंगे और इसकी एक लेयर बन जाएगी जो कि इसके अंदर पानी जाने नहीं देगी। मोटी मोटी फेरो, इदा नहीं चलनी जिन्ना तू ब्रेक चला रहे हैं। तो ये जो है ना हमारा इसको फिक्सिंग का प्रोसेस जारी है, और इसमें होता ये कि यहाँ पे जो लाइनें हैं ना इसके अंदर पानी जाता है और सेल डैमेज हो जाते हैं। आपने इसको पानी से बचाना है, जिस चीज़ से भी बचाएं, लेमिनेशन कर लें या कोई चीज़ और लगा लें, लेकिन जो सबसे अच्छा कामयाब तजर्बा है वो यही है कि ये वाली वार्निश लें और ये वाली वार्निश लगाएँ। तो हमने ये वाली वार्निश लगाई है, अभी वो इसको फैला रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पूरा लेवल कोट हो जाएगा, इसको फिर दूसरा लेवल कोट करेंगे और उसके बाद जो है ये फिक्स हो जाएगी। तो ये वार्निश हमारी इस पर गिराई हुई है। वैसे तो लेयर इतनी बननी चाहिए, इतनी लेयर बननी चाहिए थी जितनी आवा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन्हों इधरों चक्की है तो टोर फिर के इधर उधर जाएगी ना, जाएगी ना यार। तो ये इस तरह इसको फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद जब इस फिक्स हो जाएगी तो फिर इसका करंट भी चेक करवाएंगे आपको कि करंट कितना दे रही है और इसमें फ़र्क क्या आया है और क्या वो है सीन है, जो भी सारी चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे और इसको प्रॉपर उस पर ले कर जाएंगे। एक गत्ता जहा और दो जी इधर में, ये देखें पीछे से प्लेन हो रही है, और जैसे जैसे हम इसको खिलाते जाएंगे और साथ में चाय पीते रहेंगे तो ये काम चलता रहेगा। यार वो चाय पैसे ना तेरे, ये वाला पोर्शन ज़्यादा डैमेज है। इसको बड़े प्यार प्यार से ना दबा के नहीं खींचना, इसको सिर्फ स्लोप देनी है ऐसे, जहाँ पे आ गया चलें जी लेट्स स्टार्ट। हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे, करने के बाद फिर आगे बात करेंगे। ये जी हमारा जो है पैकेज रेडी है, तो अब ये ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद फिर इसकी पावर चेक करेंगे कि कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारा हमने लेयर बाय लेयर सब पे लगा दिया है, तो किसी जगह पे कोई बबल नहीं है, कोई वो नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ये ड्राई होगा तो फिर इसकी पावर कनेक्शन चेक करेंगे। वेलकम बैक। ये जी जो हमने पैनल फिक्स किया था, टूटा हुआ पैनल, तो ये एक रैक हो गया ना, तेनों क्या सी टेकां देनियां पैनियां। तो ये जो है इसको हमने नीचे कनेक्ट किया है चार्जर के साथ। ये हमारी वायरिंग जा रही है, ये भी दिखा देता हूँ ये। तो अभी चलते हैं नीचे, सावन है तो जिस तरह बादल शादल चल रहे हैं आजकल, तो धूप कम है। ये देखिए अभी तेज़ हो रही है विजिबिलिटी। ये जी हमने इसको टेम्परेरी यहाँ पे लगाया, ये हमारा जो है सिस्टम है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। बैटरी के 12 वोल्ट हैं और 12 एम्पीयर 33 वोल्ट दे रहा है पैनल। तो आपको फिजिकल भी चेक करो, इसके आगे कोई लोड नहीं है, ये जस्ट बैटरी चार्जिंग कर रहा है, और ये दे रहा है जी हमें 12 एम्पीयर पैनल। तो जो पैनल के एग्जैक्ट हैं वो 5 एम्पीयर हैं। तो
इस तरह आप पैनल को चला सकते हैं और आपका पैनल जो है वो 50% काम करना शुरू कर देगा। आउटपुट पे कोई लोड नहीं है। ये 12 एम्पीयर 32 वोल्ट है।